हेलो दोस्तों, हम आज जंगल में आए हैं लकड़ियाँ लेने फिर से। तो ये पूरा जंगल है, आप देख सकते हो, ये पूरा जंगल है। ये देखो राहुल काट रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं। क्या हो रहा है राहुल? देखो तो दो आगे जाएंगे तो बहुत भारी है, छोड़ दो। पूरा जंगल है और आगे की तरफ में समुंदर है। लगी खून, बहुत खून बह रहा है राहुल का। यहाँ पे सब हमें काट के इसका पूरा भारा बनाना है, तो अभी हम सब काट लेते हैं इसे। कितना मजा आ रहा है इसको काटने में, देखो सारा गुस्सा इस पे निकल रहे है। पूरे सूखे हुए लकड़ियाँ तो ऐसे ही काटे कट जाते हैं। देख राहुल लकड़ी खींच रहे हैं, कैसे देखो किस कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो निकल गई। मैंने देखो इस तरह से लकड़ियों को रखा है, फिर उसको डोरी से बांधूंगी। पर अभी इसमें थोड़े थोड़े डालने बाकी है लकड़ी। ये क्या इकट्ठा कर रही हो? ए बबूल के पेड़ में जो फ्रूट आता है ना, वो सिंग ऐसी वाली एक ठाकर ये सूखी हुई है, तो इसको खाने में बहुत मजा आता है। और कच्ची होती है तो ये खट्टी लगती है, अभी वो स्वीट लगेगी तो ये ले रही हूँ। ये क्या है राहुल? मशरूम। इसकी सब्जी बनती है? इसकी सब्जी बनती है, लेकिन ये सूख गया है ना। सूख गया है, निकाल निकाल। देखो ये तो पूरा सूख गया है। हाथ में बताओ सर को। सूख गया है पूरा, होल पड़ गए, सड़ गया है पूरा, पड़ा पड़ा। कितना बड़ा था? छोटे छोटे होते हैं। हम जंगल से बाहर आ गए हैं, ये वाला जंगल का हिस्सा है पूरा। और ये आगे की तरफ सारा समुंदर का किनारा है, यहाँ पे मछुआरे लोग रहते हैं। पूरा समुंदर यहाँ तक कि मछुआरे लोग रहते हैं, और
पीछे के हिस्से में सारा का सारा जंगल है। इसके आगे की तरफ जाएंगे तो सरू, इसके आगे जाएंगे तो सरू बोलते हैं, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, तो सरू का जंगल पूरा आ जाता है। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ताजी जय सोमनाथ, जय माँ मंगल। जाए तो ना पड़ा जी।